वेलकम बैक टू माय चैनल सतराज टाइम ब्लॉग। तो सो गाइस, आज मैं आपके साथ सोची कि क्यों ना मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्किन केयर लेके आऊं। तो स्किन केयर में मतलब जैसे कि आप फेस वॉश और मतलब जो भी टोनर वगैरह आप सीरम वगैरह जो भी यूज करते हो, लेकिन ये मतलब ऐसा स्किन केयर है कि जैसे आप स्किन पॉलिशिंग के लिए बोल सकते हो कि अगर आप कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे हो, कुछ फेस पैक वगैरह। तो मैंने इसे आपको दिखाया था कि मैंने अपना अनबॉक्सिंग पर्पल हॉल में आप लोग को मैं दिखाया था, मैंने बताया भी था कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। तो उसमें से जो जो प्रोडक्ट्स मैं मंगाई हूँ तो उसके साथ मैं एक डेमो शेयर करूंगी क्या है वो स्किन पॉलिशिंग के लिए चाहिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है व्याम आयुर्वेदा का जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आपको ये एक पाउडर मतलब क्ले मिल जाता है, क्ले पाउडर है ये, और उसमें आपको ये एक टोनर उसी का ही व्याम आयुर्वेदा का मैंने मंगाया है, एंड साथ ही मैंने उसी का ही एक सीरम भी मंगाया। तो ये जो तीनों मैंने जो मंगाया है, ये तीनों का जो सेट मैंने मंगाया है, इसके साथ आपका एक अच्छा सा स्किन केयर या स्किन पॉलिशिंग अगर घर में आप बोलो तो आप अगर मतलब कर सकते हो इसे, अगर आपको बाहर नहीं जाने का मन है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इसकी प्राइस हाई है, बहुत ही इसकी प्राइस भी कम है। आप आराम से घर पे इसे हफ्ते में कम से कम एक बार आप इसे स्किन पर जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने स्किन को क्लीन एंड स्किन को पॉलिश करके अच्छे से रखते हो तो आप कोई भी मेकअप करते हो तो बहुत ही अच्छा आपके मतलब चेहरे पे खिल के आता है। तो पहले तो स्किन केयर बहुत ही जरूरी है। तो ये कैसी है, इसमें क्या चीज मिली है, क्या क्या है, तो इसको मैं पहले आपको थोड़ी इसको दिखा देती हूँ, एंड मैं इसका एक डेमो भी देती हूँ कि आपको इसको किस तरह से अपने स्किन पे अप्लाई करना है। देख सकते हैं गाइस, ये रहा है व्याम का आयुर्वेदा नारंगी एंड नख केसर विटामिन सी पैक, जो कि कॉन्ट्रेटेड विथ कैल्विन क्ले एंड अश्वगंधा पाउडर है इसमें मिला हुआ है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 40 ग्राम की है। और ये मतलब एक तो पहले ये आयुर्वेदा है तो इसमें कोई आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली स्किन में, और आयुर्वेदा का तो को पता ही होगा कि कोई इसमें मतलब पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री होती है, तो ये किसी तरह से नुकसान आपके चेहरे पर करेगी नहीं, और ये बहुत ही अच्छा है। एंड साथ ही इसे कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। इसको 10-15 मिनट्स आपको स्किन पे आपको ड्राई करने के लिए बस लगा के रखना है, एंड उसके बाद आपको बस सिंपल से पानी से अपने से जो चेहरे को है वो क्लीन कर लेना है। एंड ये पैराबिन फ्री है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये किस तरह का है मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकती है स्टील के इस तरह के डब्बे में रिसीव हुई है, और जैसे मैंने बताया कि ये अश्वगंधा इसमें मिला हुआ है जो क्ले पाउडर है, तो इसमें ये बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग होके आई है, और इसे मैंने एक बार यूज़ भी किया है इसलिए मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, इसमें बस एक मैंने रबर से टाइट कर दिया है। और इसमें मुझे एक स्पून भी मिला था वुडन का, जो मैं दिखाना को भूल गई, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा है। और ये क्ले जो है वो अश्वगंधा के साथ आपको मिक्स मतलब मिली हुई होती है तो काफ़ी अच्छा होता है स्किन पर आपको। तो इसे कैसे यूज़ करना है मैं इसे लगा कर आपको दिखाऊँगी, एंड उसके साथ आप देख सकते हैं कि मुझे ये टोनर भी रिसीव हुई है जो कि प्योर रोज़ वाटर है, और ये भी व्याम आयुर्वेदा का ही है, और ये हाइड्रेटिंग टोनर है। इसकी जो क्वांटिटी होगी ये 50 ml की है, और ये काफ़ी अच्छा है। एंड ये मतलब आपको तो टोनर जरूर यूज़ करना चाहिए जो आपके पोर्स हो मिनिमाइज हो जाते हैं, स्किन आपकी हाइड्रेट बनी हुई रहती है। और ये देख सकते हैं कि अल्कोहल फ्री होती है, नो एडिड कलर होती है इसमें, नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है इसमें, पैराबेन फ्री है, तो आपको मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 100% प्योर एंड नेचुरल है ये, तो आप इसे आराम से अपने चेहरे पे ट्राई कर सकते हैं। एंड साथ ही उसके साथ अभी जैसे विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है तो फेशियल ऑयल तो आपको अपनी स्किन में ज़रूर चाहिए, तो ये भी मैंने व्याम आयुर्वेदा का ही मंगाया है जो कि काफ़ी अच्छा आलमंड ऑयल है, और प्राकृतिक सौंदर्य आलमंड ऑयल फेशियल ऑयल है। आलमंड में आपको विटामिन ई मिल जाती है जो कि स्किन एंटी एजिंग में काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें भी इन्होंने सारा मेंशन कर दिया है कि पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड सल्फेट फ्री, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब आपकी स्किन पे ये काम करने वाली है। पेट्रोलियम फ्री है, मिनिमम ऑयल फ्री है, तो मिनरल ऑयल फ्री है, तो आप मतलब आपकी स्किन के लिए अब सोचना नहीं है कि आपकी स्किन पे कुछ भी ये हार्म करने वाली है। और ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट है मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगी, अगर आप स्किन पॉलिशिंग के लिए अगर कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। एंड फेशियल ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है विंटर के लिए, तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरह से अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। तो जैसे देख सकते हैं आप अपनी स्किन को कि मैंने अभी मेकअप करके रखा है, एंड इससे पहले मेकअप को उतारूंगी एंड फेस वॉश करूंगी, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और कहीं कोई भी चीज़ अपने स्किन को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना चाहिए। तो किसी फेस वॉश से अपने स्किन को क्लीन जो भी आप यूज़ करते हो स्किन को क्लीन कर दीजिए, उसके बाद वैसे उसे विथड्राई करने के बाद अब मैं इस पाउडर, तो उसके लिए मैंने लिया है दही, और अगर चाहो तो इसमें गुलाब जल भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसे दही के साथ बनाऊंगी। तो अब देखिए, अब मैं इसमें अपने
जितनी आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट होगी आप उतना इसमें ले लें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून ले रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से मिल गया है। जैसे मैं बताया कि आप गुलाब जल ही ऐड कर सकते हो, बट अगर दही नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दही ही ऐड करना है इसमें। तो अब मैं इसे अपने स्किन पर अप्लाई करूँगी, इसे मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी अच्छे से। मैंने अच्छे से अपने स्किन पर अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ी सी मैंने नेक एरिया को भी उस पर भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमारी नेक भी जो होती है वो भी विजिबल होती है, तो फेस और नेक अलग अलग दिखे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नेक को भी कवर कर लिया है और इसलिए मैंने अच्छे से एक लेयर लगा ली अपनी स्किन पर। और आप इसे चाहो तब लगा के कोई भी जो घर का काम है वो भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको लगा के बैठे करना है। तो जैसे हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लगा के से बैठे रहें, तो इसके बाद जो घर का काम है छोटी मोटी चीज़ें आपको कर सकते हो। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट्स के बाद। तो जैसे कि देख सकते हैं 20 मिनट्स हो गए हैं और मेरे चेहरे पर अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अगर थोड़ी में से कुछ मतलब रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 20 मिनट्स इसको रखना है एंड इसको आपको तुरंत नहीं धोना है, इसको थोड़े से पानी के हाथों से पहले स्किन को इस तरह से गीला करना है एंड इसको ना हल्के हाथों से स्क्रब करना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि आपके चेहरे पे ये एक स्क्रब का भी काम करेगा। तो आपको दिख रही होगी ये देखिए छोटे छोटे से पार्टिकल्स इसमें। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो हो चुकी है आपको दिख रही होगी काफी क्लीन हो चुकी है मेरी स्किन। अब इसके बाद अब ये जो रोज वाटर है प्योर रोज वाटर है ये, और इसे बस आपको अपने स्किन पे इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो प्योर रोज की तरह स्मेल आ रही है और ये वाटर की तरह है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्किन पे। और इसे हम थोड़ा देर ड्राई होने देते हैं ताकि स्किन में फ्रेशनेस चली जाए। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी ये सीरम, जो कि काफ़ी अच्छा ये फेशियल ऑयल है ये, और सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। स्किन जो आपकी जो ड्राई हो जाती है ना तो ये बहुत ही अच्छे से स्किन आपके मॉइस्चराइज करता है, तो इसको तो अभी बस ज़रूर अगर ट्राई कीजिए। बस फ्यू ड्रॉप्स ही बस आपको लेने हैं, खुद देखिए एक साइन सी आपको मेरी स्किन पे दिख रही होगी, ये जो साइन है ये ग्लो है जो इस ऑयल को लगाने के बाद आपके चेहरे पे अच्छे से आ जाती है। देख सकते हैं ये मैंने अपने इस तरह से अपने स्किन का स्किन पॉलिश किया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्लीन एंड काफ़ी सॉफ्ट लगी मेरी स्किन। छूने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि हमें स्किन मतलब कितनी मतलब जो भी डर्ट वगैरह थे सो निकल गए हैं और काफ़ी खिली खिली इसमें चेहरे लगे हैं और अच्छा लग रहा है, खुद का चेहरा देख के अच्छा लगा है। तो मैं आपको जो है बोलूँगी कि अभी इसे जरूर ट्राई कीजिए।